बेगूसराय के सिमरिया धाम में 18 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलने वाले राजकीय कल्पवास मेले की तैयारी का जायजा लेने मंत्री संजय झा सिमरिया धाम पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने घाट किनारे चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। तो वहीं सिमरिया में पिछले साल कल्पवास मेले के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां कल्पवासी श्रद्धालुओं को हो रही कठिनाइयों को देखकर उसे विकसित करने का निर्देश दिया था। तो अक्टूबर में शुरू हो रहे कल्पवास मेले में श्रद्धालुओं को कोई सुविधा ना हो, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं मंत्री संजय झा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम किया जा रहा है। जून 2024 तक सिमरिया धाम एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में हो जाएगा। लोग अभी जल्दी जाएंगे राजस्थान, वहाँ से इस पर जो स्टोन लगे सैंड स्टोन जो लगेगा, ये पूरा सीढ़ी और सैंड स्टोन और तीसरा धर्मशाला वो भी काम फुल स्पीड में। यही तीन मेन कंपोनेंट था। सीढ़ी में तो मान लीजिए गाड़ी का पार्किंग का, महिला का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था उनका कपड़ा चेंज करने का, बाथरूम रहे उसके लिए, गंगा आरती का जगह, अन्य सारा चीज़ है तो साइड बाई साइड होता जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी को कमिट किए थे यहाँ पर 2024 जून तक काम को पूरा करेंगे। शायद इतना रिकॉर्ड टाइम में कम ही काम हुआ हो, हमको लगता है एक साल का हुआ, डेढ़ साल का काम, डेढ़ साल का काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में पूरा करें।